हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स एंड मेरे स्टूडेंट्स के डीएम एंड एसएमएस आते हैं कि हाउ टू कम टू कनाडा एज अ स्टूडेंट, इसके साथ क्या प्रोसीजर है, क्या एक्सपेंसेस है और किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, बट जो भी कीप इन माइंड में जो भी आपके साथ अमाउंट शेयर करूंगी ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शो करेगा। एंड क्योंकि अलग केस में, अलग सिनेरियो में जो फिगर है वो डिफर करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप इज यू हैव टू डिसाइड कि आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है या तो मास्टर डिग्री करनी है। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आपको सर्च करनी है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की। उसके रिसर्च करने के बाद आप जब एक पर्टिकुलर कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, देन यू हैव लिस्ट ऑफ न्यूमरस कोर्सेज और आप अपने इंटरेस्ट के साथ उसको चूज करते हैं। और अगर आप कहीं स्टक होते हैं तो आई थिंक आप किसी कंसल्टेंसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कंसल्टेड फ्रॉम IDP कंसल्टेंसी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कंसल्टेंसी से कंसल्ट करते हैं तो आई थिंक उनको पता होता है कि आपका कोर्स कौन से कॉलेज में रियॉन है। एंड सेकेंड थिंग, उनको ये पता होता है कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में क्या इन चल रहा है एंड दे सजेस्ट यू द कोर्सेस अकॉर्डिंगली। सो द सेकेंड स्टेप इज इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अ पर्सन शुड अटेंड द ग्लोबल इवेंट्स। ग्लोबल इवेंट्स में आते हैं आपके एजुकेशनल फेयर, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। एंड कोविड की वजह से आई थिंक काफ़ी टाइम से ये हुए नहीं है, बट एजुकेशनल फेयर्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कॉलेज के, वो अपने कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर मिलती है लाइक what you are going to do next. So कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारे colleges and universities जो कि आपने नाम भी नहीं सुने होते हैं, आपने उनके बारे में रिसर्च भी नहीं करी होती, वो आपको माइंड भी हिट हो जाए जो आप सोच रहे हो उसकी बजाय। सो आई थिंक अ पर्सन शुड डेफिनेटली अटेंड द ग्लोबल इवेंट्स। सो द थर्ड स्टेप इज स्टार्ट क्रिएटिंग द लिंक्स through the social networking sites such as LinkedIn। आपको अपने networks build करना start कर देना चाहिए। अगर आपने कोई college select कर लिया है तो I think you should talk to a student or a faculty whosoever is working there, because I know LinkedIn के through mostly लोग answer कर देते हैं। तो आपको अपने social links build करना बहुत ज़रूरी है। Now we are going to talk about the exact process along with the expenses like how to move to Canada as a student. So first and most essential part is to give your IELTS exam. IELTS exam two type ka hota hai, academic and general. Agar aap as a student aa rahe hain to aap academic exam denge, and IELTS ki requirement average 6.5 band hoti hai colleges mein, and wo vary karti hai agar aapko university mein apply karna hai, it is around 7 bands. And main आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हाई स्कोर करेंगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया में IELTS एग्जाम की कॉस्ट है 13,000 रुपीस, और जब मैंने दिया था तब तो 13,000 थी। हो सकता है कि अब इंक्रीज हो गई हो, बट अप्रॉक्सीमेशन अमाउंट इसका 13,000 रुपीस है। एंड आफ्टर गिविंग योर IELTS एग्जाम एंड गेटिंग योर रिजल्ट्स बैक, आपको क्या करना है, आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना है जो भी आपने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर मैंडेटरी होता है कि अगर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसका IELTS जो टेस्ट है वो अटैच करना होता है। कॉलेजेस की जो है एप्लीकेशन फीस ज़रूर होती है। सो वो वेरी करती है 2500 से लेकर 6,000 रुपीज़ तक। सो अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद अब नाउ टाइम आता है कि जब आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है तो वो आपको ऑफ़र लेटर सेंड करती है। और ऑफ़र लेटर तो आपको हर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से आ जाएगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ की फ़ीस भी उसी के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ How to pay your college fees. So अगर Canadian dollar के हिसाब से मैं बात करूँ, जो first semester की fees है वो आपको pay करके यहाँ पर आना ही पड़ेगा। So first semester की fees approximately 17,000 Canadian dollar से लेकर 18,000 Canadian dollar तक की होती है, वो भी
वन सेमेस्टर की, और वन सेमेस्टर की फी पे करके ही आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि INR में अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीस से लेकर 11 लाख रुपीस तक की फीस होती है जो आपको देकर आनी है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू ओपन योर बैंक अकाउंट, GIC अकाउंट आपको ओपन करना है, जो कि कैनेडियन डॉलर के अकॉर्डिंगली $10,000 हैं. और अगर मैं उसको INR में कन्वर्ट करूं, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाख रुपीस, आपको वो पे करना है. GIC अमाउंट जो आपका है वो स्पेसिफिकली स्कॉशिया बैंक में ओपन होता है, ICICI में होता है और CIBC में होता है, और ये अमाउंट आप ही का है. और ये इसलिए ओपन किया जाता है कि यहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट थोड़ा इंश्योर करती है कि जो आपको किसी भी तरीके का कुछ भी सफ़र ना करना पड़े और आपके पास एम्पल ऑफ अमाउंट है जिससे आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो निकल जाए. और उसी अमाउंट में से आपको मंथली आई थिंक $670 आपको मिलते हैं ताकि आपका मंथली एक्सपेंस निकल जाए. सो वो अमाउंट आप ही का है, बट यू हैव टू पे बिफोर यू कम हेयर. सो आफ्टर डिपॉजिटिंग योर कॉलेज फीस एंड GIC, अब आपको देना है मेडिकल एग्जाम. मेडिकल एग्जाम के चार्जेस होते हैं INR में अप्रॉक्सीमेटली लाइक 5 to 6,000. और मेक श्योर अगर आपने कोई बॉडी पे टैटू वगैरह करवाया है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जब भी आप कराते हैं. और मेडिकल का जो आपका रिजल्ट है वो आपको नहीं आएगा, वो सीधे एम्बेसी जाएगा. सो आफ्टर गिविंग योर मेडिकल एग्जाम, नाउ आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है. वीज़ा की अगर मैं फीस की बात करूँ तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9,000 रुपीज़, जो कि आपको पे करनी है. और वीज़ा में जब आप अप्लाई करती हैं तो वो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मांगता है. आपने जिसके लिए भी अप्लाई करा है, आपकी SOP एंड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो सभी अटैच करने होते हैं. एंड आपकी कंसल्टेंट जो भी होगी वो आपको उसके अंदर हेल्प करेगी. एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल. एंड मोस्टली सबका अप्रूवल आ जाता है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनका रिजेक्शन होता है. योर फ्लाइट्स, सो फ्लाइट्स का अगर मैं कॉस्ट देखूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70,000 भी होती है. अगर आप कई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी होती है कि उनका वीज़ा डेफिनेटली अप्रूव होगा, तो वो 3-4 मंथ्स पहले ही अपनी टिकट्स बुक कर लेते हैं और वो उनको चीप पड़ती हैं. और अगर आपको लाइक ऑन द स्पॉट लाइक 15 डेज के बाद की करनी है, ऑब्वियसली वो आपको कॉस्टली पड़ेंगी. सो फ्लाइट टिकट्स वेरी करती हैं. थिंग इज़ जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने साथ कुछ कैश लेकर आइए, लाइक आई थिंक $1,000 जो कि INR में होता है, 50,000 अपने साथ कैश लेकर आइए, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट नहीं ओपन होता तब तक आपको रिक्वायरमेंट होगी. और आई थिंक एक फॉरेक्स कार्ड होता है जिसमें जो कि आप लेकर आ सकते हैं अगर आपको कहीं पेमेंट करनी है, इफ़ यू गेट स्टक समवेयर, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. तो ये थे सारे एक्सपेंसेस एंड प्रोसेस अगर आपको कनाडा एज अ स्टूडेंट अप्लाई करना है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. इफ यू हैव मोर क्वेश्चन काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक. एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहती कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो, आई एम ओपन टू इट, सो काइंडली कमेंट बिलो. बाय बाय.